ज्वाइन करने वाले हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास बनी है 40-50 आदमियों की, और इस तकरीर के बाद वो ज्वाइन करेंगे आजाद साहब के साथ साइड में आकर। वो लोग यहीं पर रहे, जो लोग ज्वाइन करें बारिश की वजह से आजाद साहब के बेचारे आजाद साहब की सबसे पहले मैं मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब को, जिनके वालिदे मोहतरम नूरदीन ठेकेदार साहब थे, उनकी फौत पर अफसोस जाहिर करता हूं। अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और आप तमाम लोगों की वजह की तरफ से, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, वरना अभी यहां हमारे साथ मौजूद होते। मैं खिलैनी मार्केट और इस पूरे मरमत इलाके के और हमारे पार वाले इलाके के सभी लोगों का भी मशहूर हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस बारिश आप यहां तशरीफ लाए, और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है लेकिन कोई भी सामने से टस से मस नहीं हो रहा। यहां के हमारी बहुत सारी संख्या में हमारी बहनें हैं, ये बहनें भी बिल्कुल डट के बारिश में अपनी सीट पे बैठी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे साथ बहुत सारे साथी, अगर मौसम होता ठीक तो बोलते, आप इनकी तकरीरें सुनते, और यहां के भी बहुत सारे लीडरान लोकल जो बोलना चाहते थे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं बोल पाए। मेरे साथ जो साथी आए हैं, जे एम सरूड़ी साहब, सबका वजीर रहे हैं, पूरे इस खित्ते की और स्टेट की खिदमत की है। हमारे मजीद वानी साहब, इनके वालिद ने भी अपने बिजनेस में लोगों को बहुत रोजगार दिया जब तक वो जिंदा रहे। मजीद वानी साहब जीतने के बाद 2002 से अभी सियासत में हैं, वजीर हैं। उन्होंने भी हर तबके हर फिरके की खिदमत की और उसकी मदद करने के लिए कोशां रहे। मेरे साथ हमारे रियासी उधमपुर जिले से, अभी रियासी जिला, वहां से हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हैं, ये भी हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं जब मैं चीफ मिनिस्टर था, वो भी यहां मौजूद आए हैं, मौजूद हैं, बोलना चाहते थे। आप जरा थोड़ा इन पीछे से मेरे सामने आ जाओ, इधर वो सभी एक जगह तीनों बैठे हो ना, पीछे कोई दिखाई नहीं देता भी। वो नहीं बोल पाए। हमारे साथ गोनी साहब हैं भद्रवा के, मोहम्मद असलम गोनी साहब, बड़े गोनी साहब से सभी वाकत है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग। आप एडवोकेट जनरल हमारी रियासत में रहे हैं लेकिन अब सक्रिय सियासत में हैं, श्यामलाल। हमारे पास नरेश गुप्ता जी हैं, कहां गए नरेश गुप्ता जी? श्यामलाल जी को और नरेश जी को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। श्यामलाल गुप्ता जी हमारे एमएलसी भद्रवा से 12 साल रहे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। श्यामलाल भगत जी, नहीं नरेश गुप्ता जी, श्यामलाल भगत जी भी हमारे एमएलसी रहे, ये तो अभी इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। पृथ्वी राज मनहास साहब, ये दो खिलैनियां, एक खिलैनी में आप हैं, दूसरी खिलैनी इनकी।
अब इनकी खिलेनी जो है बड़ी खूबसूरत है, यहाँ जंगलात है, वरना खूबसूरत तो ये भी है लेकिन जंगल नहीं। आप लोगों ने इनकी खिलेनी जिस जिसने देखी है जरा हाथ खड़े करिए, जिसने नहीं देखी अगले साल समर में। मैंने तो उसको जन्नत बनाया था लेकिन उसके बाद वही बहुत अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस बनाई थी भद्रवा से आगे थोड़ा 15 किलोमीटर की दूरी है भद्रवा और डोडा के बीच में। प्रीतम कोतवाल साहब है, मैंने प्रीतम कोतवाल साहब हमारे भद्रवा के ही है लेकिन सीनियर लीडर है और डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं हमारे साथ। यहाँ रमेश परहार साहब है, ये भी अपने तरीके से लोगों की सेवा करते हैं, बिजनेस को फरोग देते हैं। जितना भी यहाँ से सब्जी वगैरह निकलती है उसके दाम लोगों को मिलते हैं। मुश्ताक साहब ने हमारे साथ और भी हमारे गूल के मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, ये भी हमारे लीडर है, हमारी पार्टी के बहुत सक्रिय लीडर हैं। हमारे पास अरुण कुमार राजू जी, ये राममन से हैं, इनके पिताजी बहुत पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर थे जंगलात के, ये हमारे साथ कांग्रेस में भी रहे, जिला प्रेसिडेंट रहे और आज वहां से इस्तीफा देके हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ डोडा के अशरफ गत्तू साहब, आसिफ जान गत्तू साहब है, सुबह से ही यहाँ पहुंचे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आवाम की सेवा करते हैं। मुश्ताक साहब तो हमारे डीडीसी के मेंबर कहाँ गए, हाँ ये भी बहुत सक्रिय हैं। भट्ट साहब तो हमारे पार के डीडीसी मेंबर हैं, यहाँ नहीं पहुंच पाए। हमारे दूसरे हमारी फातिमा जी हमारी एसटी बरादरी की कहरा से मेंबर है, जिस तरह से यहाँ मुश्ताक साहब है डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन है, ये तो चेयरमैन चेयरपर्सन भी है। दूसरी अमीना यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी ऐसी एसटी की है, वो डीडीसी मेंबर हमारे बांजवा से है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एसटी की बच्चियां भी आगे आ रही हैं। फारूक अहमद शिकारी साहब फातिमा जी के हस्बैंड हैं। यहाँ हमारे अलग अलग इलाकों से आए हुए मुश्ताक भट्ट साहब, पहले मैंने बताया अब्दुल गनी भट्ट साहब, वो यहाँ मौजूद नहीं है। गुलाम अहमद सादिक साहब एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, मोहम्मद सईद खान साहब एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट मरमत, रंजीत सिंह जी एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट भागवा और सरपंच, गुलाम महीउद्दीन एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट। हमारे साथ यहाँ दूसरे करतार सिंह जी बड़े जुझारू हैं, करतार सिंह जी बहुत हमेशा बड़े जबरदस्त आदमी। और मैं स्वागत करता हूँ आज कैप्टन मुंशी राम जी को, कैप्टन मुंशी राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पगड़ी से भी और भी सुंदर लगते हैं, पहले ही बड़े स्मार्ट हैं, कैप्टन हैं। सईद खान साहब गोवा से, सबका कांग्रेस सदर, राजीव गुप्ता साहब, मोहम्मद सादिक वानी साहब खिलेनी से, असगर मूसा साहब और इसी अपनी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी से, गौरी लाल जी रिटायर्ड सरपंच एंड मास्टर, राम कुमार जी एक्स सरपंच, रविंदर सिंह जी बनान क्या है बनान, सलमान टाक साहब, इस तरह से हमारे दूसरे साथी गुलाम महीदीन साहब एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, अब्दुल रशीद वानी साहब, सतीश कोतवाल साहब टीएसओ, बशीर अहमद
नरवानी साहब सरपंच, आशिक सरपंच साहब मंगोता बी से, गुलाम हुसैन सरपंच साहब, मोहम्मद सादिक सरपंच साहब, मोहम्मद खतीब सरपंच साहब, अपर बहोता नजीर अहमद सरपंच साहब, मोहम्मद यूसुफ सरपंच साहब, सतीश परिहार एक्स सरपंच मलहोरी, करतार सिंह जी का मैंने पहले बताया, मोहम्मद अशरफ एक्स सरपंच साहब, कुमार कमरदीन एक्स सरपंच पुलडोडा, सुरेंद्र सिंह जी एक्स सरपंच रेवंडा, रामलाल जी एक्स सरपंच श्री, गुलाम नबी बेग पीसीसी मेंबर, गुलाम अली एक्स सरपंच खिलेनी, मोहम्मद अशरफ सरपंच करनाल रामगढ़, आशिक वानी एक्स सरपंच, राकेश कुमार गुप्ता खिलेनी, लहर सिंह माशा एक्स सरपंच हमल भी, ओंकार गांधी एक्स सरपंच गुंडोता, कृष्ण सिंह जी रिटायर्ड तहसीलदार असद, रमेश चंद्र जी नायब तहसीलदार रिटायर्ड अमठी मरमत, हमारे देवराज बनहास जी रिटायर्ड गिरदवर, अजमल हुसैन साहब रेवत, यासीन वानी साहब रेवत, एडवोकेट बाबू जी, और मेरी बहुत सारी तादाद में मेरी बहनें, और इन तमाम इलाकों से आए हुए जिनके नाम मुझसे छूट गए, मैंने तकरीबन सिर्फ सरपंच तक ही अपने आप को महदूद रखा, यहाँ नौजवान साथी बुजुर्ग साथी नौजवानों और बुजुर्गों के बीच वाले जो उम्र के साथ ये है उन सबको इस बारिश में स्वागत करता हूँ। दो सरदार जी हो गए 2.5 लाख। मेरे साथियों, मैं देख रहा हूं कि तकरीबन तभी चाहे वो ब्लॉक खिलेनी हो, ब्लॉक मरबत हो, या यहां के लोग हो, या गठ के लोग, सभी यहां मौजूद हैं, चीदा चीदा लोग, जैसे नामों से ही पता चलता। मैं सब कुछ छोड़ के यहां क्यों आया? गुज़िश्ता चंद सालों से स्टेट की जो हालत, एक इंच स्टेट आगे नहीं बढ़ रही। मैं अभी वानी साहब से यहां बैठ के कह रहा था, डोडा शहर के लोग मुझे कहते थे आपने भद्रवा बड़ा सुंदर बनाया, डोडा को सुंदर नहीं बनाया। हाले मैंने इनको बताया, डोडा अस्पताल भी दिया, कॉलेज भी दिया, मेडिकल कॉलेज भी दिया, बहुत सारे कॉलेज स्कूल सब चीज, कहा नहीं खूबसूरत ही बनाया। मैंने कहा भाई खूबसूरत ऊपर वाला बनाता है, मैं नहीं बनाता। अगर मैदानी इलाका होता और यहां जंगलात होते तो अपने आप ही खूबसूरत होता, लेकिन जंगल ऊपर वाले ने वही बनाए, शहर के बीच में दरिया उसी ने निकाला, और जमीन भी बहुत लंबी चौड़ी दी, मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा सा काम करना था। लेकिन डोडा शहर में मैं चाहूंगा, लेकिन जंगल अपनी जिंदगी में बना सकता, और दरिया में शहर के बीच में ला नहीं सकता। तो मैं एक दिन उड़ रहा था चीफ मिनिस्टर, तो मैंने यहां देखा, अरे ये तो बहुत भद्रवा जैसा मिलता है। ऊपर क्या छत था? लाल द्रमा। तो मैं हेलीकॉप्टर उतारा सीधे, वहां रुकना नहीं था, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा मैदान भी और जंगलात भी और आबहवा भी, जबकि डोडा में जून में बैठा नहीं जाता
और ऊपर गुलमर्ग जैसा लग रहा है। मैं नहीं समझता कितने लोगों ने लाल द्रमण को देखा, लेकिन अगर लाल द्रमण में किसी ने देखा होगा तो आप लोई लेकर जोन में आएंगे और सितंबर में वापस आएंगे, वहीं सो जाओगे। इतनी खूबसूरत जगह है और इतना अच्छा मौसम है, पंखे का लगाने का भी जून में जुलाई में सवाल ही पैदा नहीं होता। रजाई चाहिए। तो मैंने एक हफ्ते में डोडा से सर्वे कराना शुरू किया और दो महीने में काम शुरू करा दिया। एक साल के अंदर अंदर ही ये सारा दिख रहा है ना आपको, पार देखना, उन गांव तक पहुंचाया। उसके पास साथ मैंने वानी साहब को उसके पीछे लगा, क्या वहां तक पहुंचाया, वहां तक पहुंचकर अभी 5 ही किलोमीटर रहे, ऊंचाई वाला वहां तक पहुंचाओ। मैंने श्रीनगर से टूरिज्म के सेक्रेटरी, ये जो आज पीडीपी के मंत्री रहे हैं नईम अख्तर, वो सेक्रेटरी थे टूरिज्म के, उनको और उनकी टीम को भेज दिया वहां देखने के लिए। और देखने के बाद जब कश्मीरी में बताया, हदस का बलाई लग गया, कहा वो चढ़ाई इतनी है, हम तो सोच रहे थे आसान है। वो देख के आए तो मैंने कहा मुझे वहां गोल्फ कोर्स बनाना, सड़क से उनका कोई मतलब नहीं था, वो टूरिज्म से, और वहां टूरिस्ट हट्स बनानी। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो हो सकता है, लेकिन सामान लेने के लिए तो गाड़ी होनी चाहिए, वो तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। बहरहाल मेरे वक्त में ये सारी सड़क बनी, 1.5 किलोमीटर रहा, ये कितना होगा डोडा से वहां कितने, तो 25 किलोमीटर ये 2007 में मैंने शुरू की, आते नहीं की, तो मेरे 1.5 साल में 25 किलोमीटर बनी और 15 साल हुए मुझे छोड़े हुए, अभी 1.5 किलोमीटर नहीं बनते। आप इसी तरह से अंदाजा लगाए, अगर आप यहां जो इतने बैठे हैं, अगर आपको ही हम बताते तो आपने एक दिन में बना देनी थी। 1.5 किलोमीटर सड़क बनाना क्या होता, तो 15 साल से इतनी सरकारें बनी, चीफेंस भी हो गए मेरे बाद 6 साल, गवर्नर भी 2-3 बदले, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन 1.5 किलोमीटर सड़क इस टूरिस्ट स्पॉट डोडा में, एक ये जगह है और दूसरा बुलंदपुर है, नहीं जहां आबादी है, और बुलंदपुर भी मैं मुबारकबाद देता, मैं सड़क में वहां हेलीकॉप्टर से गया था तो शाम लाल जी ने जब एमएलसी बनाया, मैं नहीं बनवाया, तो इनको क्रेडिट देता हूं, इन्होंने एमएलसी फंड से बुलंदपुर तक सड़क बनाई, आज बुलंदपुर तक गाड़ी जाती है, वो भी टूरिस्ट प्लेस। तो इस तरह से वो भी सरकार ने नहीं बनाई, पीडब्ल्यूडी ने नहीं बनाई, इसने अपने एमएलसी फंड से बनवाई। तो ये हाल है हमारा, ये जिस तरह से चावल हमारी बहनें पकाती हैं, कच्चा है या पक्का, के बर्फ में और बरसात में बह गई, किसी ने उनको डंगा तक दोबारा नहीं दिया। ये हालत हमने, मैंने स्कूल हर जगह बनाए हमारे साथियों की मदद से, चाहे उसमें सरोड़ी साहब हो, चाहे वाड़ी साहब हो, गुप्ता साहब हो,
इन्होंने जगहें बताई, मैंने सेंक्शन की, या हमारे शर्मा जी ने बताई, एमएलए एमएलसी ने बताई, रोनी साहब ने बताई, डिग्री कॉलेज बनाए, हर जिले में नया हॉस्पिटल बना, जम्मू कश्मीर की तारीख में 75 साल में किसी भी हुकूमत ने 100% डिस्ट्रिक्टों में नए अस्पताल बनाए, और पहले तो डिस्ट्रिक्टें भी कम थी, मैंने तो 8 बनाई, तो 22 की 22 जिले लद्दाख नए अस्पताल बनाए, क्योंकि पुराने अस्पताल 20-20 बेड के थे। आपका डोडा शहर में ही देखिए 20-25 बेड का था, मैंने 200 बेड का बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट रामबन में बनाया। बनिहाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, वहां भी 100-200 का बना, सब जिलों, और जम्मू और कश्मीर श्रीनगर शहर में 6-6 अस्पताल बनाए, जिलों में 1-1, सब डिस्ट्रिक्ट में 1-1, जम्मू और श्रीनगर शहर में 6-6, क्योंकि वहां आबादी ज्यादा। कभी भी 75 साल में कहीं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाता था तो फिर 30 साल तक बनता ही नहीं। शुक्र करो वो मैंने मेरे वक्त में ही मुकम्मल किए थे, वरना अभी भी अधूरे रहते। लेकिन उसमें अस्पताल नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर होकर मैंने डॉक्टरों की तादाद चुगनी 5 गुना कर दी, स्पेशलिस्टों की तादाद 4-5 गुना कर दी, यहां जम्मू कश्मीर में भी और बाकी जगह। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कहीं नहीं, अस्पताल खाली है, कॉलेज बनाए उनमें टीचर नहीं, स्कूल बनाए उनमें टीचर नहीं, और तो और मैंने 3 महीनों से जब टूर कर रहा, जो डाक बंगले होते थे जिनमें चीफ मिनिस्टर के तौर पर मैं रहता था, उनके कंबल भी ले गए हैं, उनकी रजाइयां भी ले गई, दीवारें नहीं उठी है, उसका मतलब है कि उन डाक बंगलों में कोई गया नहीं है, उसका मतलब है कोई जाता आता नहीं है, हेलीकॉप्टर से आए गए, उसका मतलब रहता नहीं है कोई। तो जब रहते ही नहीं है लोग, लीडर या ऑफिसर बड़े, तो सुनेंगे क्या, सुनाएंगे क्या, और तामीर कैसे होगी। इसलिए इन हालात को देखते हुए, सड़क स्टेट की बेकारी को देखते हुए, हमारे नौजवान, ये कोई पंजाब नहीं है, ये कोई हरियाणा नहीं है कि जहां खेती है, एक एक किसान के पास 1,000-1,000 कनाल, 2,000-2,000 कनाल जमीन हो। पंजाब हरियाणा में एक एक किसान के पास 1,000-5,000 कनाल जमीन है, 500 तो गरीब के पास होगी। हमारे पास 5 बरले हैं, बड़ा है जमींदार तो 2 कनाल है, उसको हम सुगाड़ बोलते हैं। पुराने जमाने में हमारी दादियां नानियां उस सुगाड़ में सब्जी बनाते थे घर, अब हमारे खेत नहीं रहे, सुगाड़ रहे। वर्ड इज अ वर्ड, उनशो लागन वार्डन में सब्जी वब्जी किमती मकलाई लागन चलेगा, और जिस वक्त अब आबादी ऐसी बनी है कि अब उस सुगाड़ में भी घर बनाना पड़ेगा, और सुगाड़ कोठे पे बनानी पड़ेगी। लेकिन कोठे में भी हमने 3 लगा दिए, अब वहां से भी गए, तो ये हाल है जिस रीजन का, जिस स्टेट का, जमीन का ये हाल है। जमीन ही नहीं हो, नौकरी नहीं हो, काम नहीं हो,
तो वहां किंदा इंसान जिंदा कैसे रहेगा? इस वक्त हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, गुजर एससी एससी एसटी का सवाल नहीं। इस वक्त सभी एसटी जैसे है, इसी वक्त सभी एससी की हालत हो गई। नाम होगा मूछ मूछ को हम ताव देते हैं, पगड़ी लगाते हैं, लेकिन इक्तसादी हालात जो है, घरेलू हालात सबकी एक ही जैसी हो गई। बेचारा वो मेरा राजपूत भाई हो, ब्राह्मण भाई हो, मेरा सैयद भाई हो, या मेरा गुजर भाई हो, सरदार भाई हो, सबकी एक ही हालत। बाहर कपड़े वपड़े धो धा के निकलते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं, क्योंकि नौकरी किसी को मिलती नहीं। मैंने इधर देखा, डोडा तो शहर है, भलेसा में मैं कल था, ये सब साथी, कई दर्जन लड़के, कश्मीरी भी हिंदू भी और गुजर लड़के, पीएचडी किए। मैं भी बहुत पढ़ा हूं लेकिन पीएचडी नहीं किया। एमए आज सुबह फिर आए, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, अंग्रेजी में एमए किया, एमएड किया। क्या करते हो? कुछ नहीं। शुक्र करो कि वो ड्रग्स नहीं खाते हैं, वरना हमारी स्टेट में, और मैं आप सबसे चिनाब वैली में कहूंगा, जितने मेरे बच्चे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, ये ड्रग्स से दूर रहना, अपने ने लिए ने, अपनी बहनों के लिए, अपने मां बाप के लिए। आपके मां बाप ने, ये रईस नहीं है, अमीर नहीं है, हमारे सब, आपके सब वालदेन किसी भी धर्म से हों, किसी भी फिरके से, जमीन बेचकर, घर बेचकर, मजदूरी सड़कों पर करके, उनके हाथों में छाले, पांवों में छाले, बाहर मजदूरी करके, ठंड में गर्मी में अपने खून की कमाई से अपने बच्चों को पाला, उनको कपड़े दिए, उनको टेलीफोन दिए, आज वो उनको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, वो अब ड्रग खाते हैं। पहले जमाने में लोग गम भुलाने के लिए शराब पीते थे, आजकल ये बच्चे वो ड्रग खाते हैं, और उनके वालिद, उनकी माए, उनकी बहनें, बहनों की शादियां करनी चाहिए थी, मां बाप बाप की सेवा करनी चाहिए थी। आज उनकी बहनें, छोटी बहनें शादीशुदा नहीं है, क्योंकि भाई का इंतजार कर रहे थे, भाई रोजी रोटी कमाएगा, हमारी शादी करेगा, मां बाप सोचती हमारी खिदमत करेगी, लेकिन वो बच्चे इतने मायूस, वो अपना गम भुलाने के लिए ड्रग्स खाते हैं, चरस पीते हैं, तो वो खानदान तबाह हो गए। इसलिए हमने अपने बच्चों को इस ड्रग्स से बचाना, ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी, ये पूरे समाज में फैलती जा रही है, हमारी स्टेट, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें रोजगार के जरिए पैदा कर रहे। हमने उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार पैदा कर रहे, जो नहीं पढ़े उनके लिए सड़कों के काम शुरू कर रहे, उनके लिए बिल्डिंगों के काम शुरू कर रहे, उसके लिए तामीरी काम शुरू कर रहे कि मजदूर को मजदूरी मिले। मनरेगा था वो खत्म कर दिया, किसान को काम मिले, मेसन जिसको हमें दोसिल बोलते हैं उसको काम मिले। हम लोगों में
एक इंजीनियरों के लिए बहुत सारे इंजीनियर, बल्कि मैं चाहता था उसको और हम बढ़ाएं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन हमारी सरकार में जब मिली जुली थी 2002 में, हमारे उस वक्त मुफ्ती साहब थे, लेकिन मिनिस्टर हमारे एमएलए ज्यादा थे, मिनिस्टर भी हमारे ज्यादा थे, हमारे दो हिस्से मिनिस्टर ज्यादा थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हमारा ही था। तो उस वक्त हमने एक स्कीम बनाई थी कि जितने भी इंजीनियर हैं जो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनकी टीम बनाई थी 6-6, 7-7 अनएम्प्लॉयड इंजीनियरों की, उनके लिए 25% काम रखे थे कि 75% बाकी ठेकेदार करेंगे, 25% सिर्फ इंजीनियर करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि वो ट्रेंड है, खुद ही नक्शा भी बनाएंगे, खुद ही सुपरवाइज भी करेंगे और पैसा कमाएंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर के आखिर के दौर में सोचा कि हम इसको 50% करेंगे और बीए से ऊपर जितने पढ़े लिखे हैं उनको भी इसी काम में लगाएंगे। हमारी कुर्सी गई, बीए एमएलए एमए वाले के लिए तो हम नहीं कर पाए, लेकिन इस हुकूमत ने अभी वो इंजीनियर वाला खत्म कर दिया। फिर छोटे छोटे ठेके 2-3-4 लाख वाले, उनको काम वर्क ऑर्डर मिलता था, वो भी खत्म किया। मेरी समझ में नहीं आता ये हर चीज को ही खत्म क्यों करता है। मैंने अपने वक्त में बहुत सारे रहबरे तालीम, ज़रात, खेल, जंगलात, इन तमाम को आगे बढ़ाने की स्कीमें बनाई थी, लेकिन अभी वहां के पक्के हुए नहीं। 15 साल वहां के वहीं, कोई 3,000 पे काम कर रहा था, कोई 4,000, कोई 5,000। कोई भी स्कीम बनती है उसकी मियाद 2-3 साल होती, 2-3 साल के बाद वो पक्का होना चाहिए, 15-15-20 साल तक वो 2,000 पे 5,000 पे काम नहीं कर सकता। इतने साल में उसका उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। आज मैं जहां भी स्टेट में देखता हूं कि ये जो बच्चे लगे भी हैं उनकी तनख्वाहें 5,000 से नीचे हैं, हड़तालों पे, और उन हड़तालों पे 6-6 महीने रहते हैं, 7 साल को पूछने भी जी नहीं जाता। इसलिए मेरे साथियों, इस दुख और दर्द में जब महंगाई हर चीज में, मुझे नहीं मालूम ये मेरी बहनें मेरी किस तरह से अपना किचन चलाती, 8 साल पहले चूल्हा गैस 450 रुपए की थी, आज 1200, और उधर हमारा जब हम कल गए उधर कहा उन्होंने 1300। तेल की कीमत सरसों की तेल की कीमत 3 गुना, मटर की कीमत 2 गुनी, दाल, सब्जी, आटा, चावल सब महंगा, दूध, बिजली का किराया, कौन सा चीज, वही सब महंगा का मतलब टैक्स, एक चीज नहीं रही। और नौकरी किसी को मिलने रही, कोई अडाक वाला पक्का हो नहीं रहा, काम काज सब बंद है। अरे पहले अगर महंगाई होती थी तो काम काज होते थे, कमाता था तो खरीदता था, अब खाली महंगाई है और काम कुछ नहीं है तो क्या खाएंगे, ये सोचने वाला आज नहीं।
यहां लोगों के पास जमीन नहीं थी, सरकारी जमीन, और हमारे सब हिंदू मुसलमान, मुसलमानों में भी एससी के हमारे भाई, हिंदू भाइयों में भी एससी भी और सभी भी सरकारी जमीन पर 20 30 40 साल से थे, क्योंकि दूसरी जमीन रही नहीं थी। मैं रोशनी स्कीम बनाई थी और उनको पट्टे दिए थे, असेंबली में पास कराया था, ऐसे घर के बैठकर नहीं किया था। असेंबली का अब कौन, मैंने अपनी जिंदगी में, सियासी जिंदगी में देखा कि असेंबली का कानून पहली दफा कोई हुकूमत गवर्नर रद्द कर दे। असेंबली से ऊपर कोई नहीं होता, असेंबली का भी रद्द कर दिया, और नई जमीन किसी को नहीं दी, जिनको मैंने दी थी उनसे भी वापस ले। क्या बनेगा ये, समझ नहीं आती। हुकूमत मारने के लिए आई है कि बनाने के लिए आई, और हर आदमी का हाल एक ही जैसा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक धर्म के लोग सुखी हैं, सभी का एक हाल है, और गरीबों का और बदतर हाल है। अमीर के पास कुछ पैसा हुआ तो ये, इसीलिए भाइयों और मेरी बहनों, आप दूर से आए हैं, आपकी मुश्किलात में जानता हूं, यानी आपकी, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, बेकारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो, जहलत, महंगाई हो, बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गई और बिजली की सप्लाई 10 गुना कम हो गई। मैंने आज तक सुना था कि बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, अब आज बिजली बंद करके लेने के लिए, बंद रखने के लिए पैसे लिए जाते हैं। इसलिए इंतजाम तमाम चीजों से लड़ाई लड़ना। मेरा दौर बड़ा 2.5 साल का था, मेरे लिए सब हिंदू मुसलमान, गुजर भाई, एससी भाई, एससी भाई, ये दिल के 4 हिस्से, इनमें कोई कम नहीं। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में कभी हिंदू मुसलमान के फर्क नहीं माना। मेरे घर में 40 साल पहले भी 3 हिंदू खाना बनाने वाले थे, एक आध मुस्लिम होता, आज भी बनाते, कोई छूतछात नहीं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐसे ही हम मरे कि जिसमें सभी हो, सभी के हाथ हो, हिंदू के, मुसलमान के, कश्मीरी के, गुजर के, एससी एससी। हम भगवान ने हमको एक आदमी पैदा किया, इंसान पैदा किया, हमारी एक जैसी नाक, मुंह, 32 दांत, कान 2, आंखें 2, टांगे 2, बाजू 2, हाथ 2। कोई हिंदू मुझे बताए उसके ज्यादा हाथ हैं तो मुसलमान के कम, कोई मुसलमान बताए उसकी टांगे 4 हैं, सिख भी मुझे बताए, कुछ नहीं। दाढ़े पहले रखते थे सरदार और मुसलमान, अब हमारे भाई, नौजवान बच्चे सब हिंदू है रखते, तो अब कोई पहचान ही नहीं, नाम कोई पहचान नहीं है। हम एक माँ के 5 भाई होते हैं, 5 बहन के भी तो 5 नाम है, घर में 4 बेटियां उनके भी तो 4 नाम है। तो इसलिए प्यार से, प्रेम से, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, गुजर बकरवाल के नाम पर, एससी के नाम पर बांटना चाहेंगे, मत बढ़िए। इंसान जो भी अच्छा है, इंसान किसी भी धर्म का अच्छा है, जो आपके लिए काम करिए उसको चुनिए। कभी कभी अपने खून, अपना भाई ही खराब आपका दुश्मन निकलता, अपने धर्म का, अपने मजहब का, अपनी मां का पेट से पैदा हुआ, अपने बाप का नस्ल, वो ही दुश्मन होता। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा धर्म का इंसान दुश्मन होगा। इसलिए आप सब
प्रेम से, प्यार से, इकट्ठे से। मेरी यही दाय, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलता। हमें किसी लीडर से तकलीफ नहीं, किसी पार्टी से तकलीफ नहीं। अगर अच्छा करेंगे लोग अपने आप चुनेंगे। जमहूरियत है, लोकतंत्र है, इसमें हम क्यों किसी को गाली दें? गाली देकर अपना मुंह क्यों खराब कर? तो इसलिए मैं अपने साथियों को भी बताता हूं, किसी पार्टी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी के धर्म का, अपने धर्म का। हमारे कुरान में भी लिखा है लकुम दीनकुम वलीदीन, तुम अपने धर्म का इज्जत पालन करते हो, इज्जत करते हो, दूसरे धर्म का भी इज्जत करो। तो हाँ, हमारा दीन हमें मुबारक, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक। मुबारक का मतलब है इज्जत करते हैं, मुबारक तो तभी देते हैं ना, मुबारक वरना क्यों देंगे? हम ईद दिवाली मुबारक नहीं देते, गुरपुरब कल था हमने मुबारक नहीं दी। मैं उधर गांव में बैठकर, चलता नहीं फोन था, फिर भी एक एक सरदार भाई को लगाता था मैसेज, आधे रह गए क्योंकि वहां से पूरे जाते नहीं। यही तो हमारा जिंदगी, ये तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग को नरक बना रहे हैं खुद ही। तो इसलिए सब इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहे, धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर और काम के आधार पर। जरा हाथ खड़े करे करिए साहब, मेरी बहनें भी हाथ, दो दो हाथ, हाजी साहब दो, अरे घरवाली का वोट नहीं है, दोनों हाथ, दोनों, उधर उधर, ऊपर वाले, ऊपर वाले, शाबाश, असली जवान तो वहीं बैठे। अल्लाह करे, भगवान करे, आपको कुर्सियां ऐसे हमेशा के लिए मिले। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाइएगा नहीं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। ये नहीं यार।